أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Our today's topic related to class 12th is New Sources of Threats, Human Rights and Migration. Human rights, insani hukuk. Human rights are the basic rights and freedoms that belong to every person in the world from birth until death. Insani hukuk, bunyadi hukuk aur azadiyan hain jinka taluk दुनिया के हर फर्द से है, पैदाइश से लेकर मौत तक। ये ह्यूमन सिक्योरिटी का मामला है, इट्स एन इश्यू ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ये बुनियादी हकूक मुश्तरका इकदार जैसे वेकार, इंसाफ पसंदी, मसावात, एहतराम और आजादी पर मबनी है। इंसानी हुकूक को तीन किस्मों में बांटा जा सकता है, सियासी हुकूक, बोलने और जमा होने या जमातें बनाने की आजादी, माशी और समाजी हुकूक से मुतलिक आजादी, पोलिटिकल राइट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, एंड नंबर थर्ड राइट टू कॉलोनाइज्ड पीपल। तीसरी किस्म में नव आबादियों की रियाया और नस्ली और मुकामी अकलियतें हैं। इस वसी तर दर्जबंदी पर एक आम इतफाक है, लेकिन इस पर इतफाक नहीं है कि इनमें से किस किस्म को आलमी इंसानी हुकूक का दर्जा दिया जाए, और नहीं इस पर इत्तेफाक है कि इन हुकूक की खिलाफ वर्जी के मौके पर बैनुल अक्वामी कम्युनिटी को क्या इकदाम उठाना चाहिए। यूनेस्को पब्लिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1996 डिफाइन्स द टर्म ह्यूमन राइट्स एज इंसान वकार और हुकूक के लिहाज से बराबर पैदा हुए हैं। ये महज दावे हैं जो सिर्फ इंसानियत की वजह से तमाम इंसानों में मौरूसी है। ये दावे मरतब किए गए हैं जिन्हें हम आज इंसानी हुकूक कहते हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों माशरों के लिए तख्लीक अमल के मुताबिक कायम करदा उनको कानूनी हुकूक में तर्जुमा किया गया है। इन हुकूक में एक वसी तश्वीश पाई जाती है, लेकिन इसमें कोई इत्तेफाक राय नहीं है कि हुकूक के किस सेट को आफाकी समझा जाए या हुकूक के खिलाफ वर्जी होने पर आलमी बरादरी को क्या करना चाहिए। So it's a big threat in the contemporary world related to security. Dear students, now we will discuss migration, hijrat. लोगों का एक इलाके से दूसरे इलाके की जानिब रोजगार की तलाश में और बेहतर जिंदगी की खातिर मुंतकिल होना माइग्रेशन कहलाता है। बेहतर माशी मौका की तलाश में लोगों ने शुमाल की जानिब हिजरत की, उसने बैनुल अक़वामी सियासी कश्मकश और कशीदगी भी पैदा की। आबादी के रिसोर्स ब्यूरो के मुताबिक अगर महाजर एक अलग मुल्क बना लें
तो ये दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनेगा। गुर्बत की वजह से जुनूब में तरक्की वतन और हिजरत की हौसला अफजाई हुई और बड़े पैमाने पर लोगों ने बेहतर माशी मौके की तलाश में शुमाल की जानिब हिजरत की। इसने बैन अल-अक़वामी सियासी कश्मकश और कशीदगी पैदा की। बैन अल-अक़वामी कवानीन और जवाबित तारकीन वतन और पना गजीनों के दरमियान एक इम्तियाज कायम करते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रिफ्यूजीज, तारकीन वतन और पना गजीन। माइग्रेंट्स वो जो अपनी खुशी और सहूलियत के मुताबिक अपना वतन छोड़ते हैं, दे लीव देयर होम वॉलंटियरली। तवक्का की जाती है कि रियासतें पना गजीनों को यानी माइग्रेंट्स को कबूल करेंगी, लेकिन कोई कानून उन्हें कबूल करने की खातिर मजबूर नहीं करेगा। रिफ्यूजीज पना गजीन दे फ्ली देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर, पोलिटिकल परसिक्यूशन और नेचुरल कैलेमिटी। पना गजीन वो लोग हैं जो अपने वतन को जंग, कुदरती तबाहकारी या सियासी जबर की वजह से छोड़ते हैं। रियासतें पना गजीनों को आमतौर पर कबूल करते हैं। पना गजीन जो अपना घर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना घर बार छोड़ते हैं लेकिन अपनी कौमी सरहदों में ही रहते हैं। उनको दाखिली तौर पर उजड़े हुए लोग कहते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। दुनिया के पना गजीनों का नक्शा और दुनिया के मुसल्लत तनाजात का नक्शा बहम एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, क्योंकि जुनूब में वाका होने वाली जंगों और मुसल्लत तनाजात ने लाखों लोगों को महफूज जन्नतों की तलाश में घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1900 से 1995 तक 70 रियासतें 93 जंगों में मुलवस थे, जिनमें तकरीबन 55 लाख लोग मारे गए। इस तरह से बूदबाश के माहौल, शनाख्त और रोजगार की तबाही या तशद्दुद के फैलते हुए खौफ की वजह से अफराद, खानदान और कभी पूरी कम्युनिटी या बस्ती अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुई। पना गजीनों की हिजरत और जंगों में अगर मवाजना किया जाए तो मालूम होगा कि 90 की दहाई में 60 में से 3 of 6 रिफ्यूजीज मुसल्ला, अंदरूनी खलफशार या खाना जंगी के साथ साथ ही हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट्स और माइग्रेशन के हवाले से आज की इस वीडियो में हमने आइडियाज शेयर किए हैं, एंड आवर न्यू टॉपिक विल बी इंशाल्लाह हेल्थ एंड एजुकेशन। वेट एंड वॉच। अस्सलामु अलैकुम।